क्या कारण है जो इस्तीफे की पेशकश की गई है? नीचे लो यार, माइक डाउन करो प्लीज। आप करो नीचे मैडम, लो मेरे नीचे दो आ रहे हैं। माइक डाउन, चुप हो जाओ। सबसे पहले तो उस परम पिता परमात्मा शंकर महादेव का मैं धन्यवाद और हमारे स्थानीय देवी देवता उनका धन्यवाद करता हूँ, साथ जनता का और जो हमारे 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी जो दुआएं हैं हमारे साथ हैं और जिनके आशीर्वाद से ही ये संभव है, उनकी ताकत है जो हमें मिलती है और शायद ये जो हमने फैसले लिए हैं ये उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हुआ है जो हमने प्रदेश हित में अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में लिए हैं। और आज हम यहाँ पे विधानसभा में रेजिग्नेशन अपना देने आए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं, ये हमारा रेजिग्नेशन है। और सभी जिस तरह से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल चला हुआ है आप भली भांति जानते हैं, प्रदेश की राजनीति का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छी राजनीति पे उतर आए हैं, विधायकों के परिवारों पे, विधायकों पे FIR करवा रहे हैं और वो भी बिना मतलब से झूठी FIR हो रही हैं। और जिस तरह से प्रदेश का विकास पूरी तरह रुका हुआ है आप भली भांति जानते हैं, चाहे बेरोजगार बच्चे हैं और चाहे डोलमन वर्क्स हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में। मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूँ, वहाँ पे भी पिछले 14 महीने में जिस तरह से जो भी हमने उनको काम बताए हैं कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुए हैं और ये रिजेंटमेंट है जो हमने शो की है, क्योंकि हम लोग अगर चले हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चले हैं, अपनी जनता के लिए चले हैं, ना कि किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए चले हैं। और जो भी फैसला लिया है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में लिया है, प्रदेश के हित में लिया है और अपने अपने बिना स्वार्थ के हमने ये फैसला लिया। देखिए इंडिपेंडेंट विधायक हैं, आज भी पार्टी से मतलब अगर आगे भी चुनाव होना है कहीं ना कहीं पार्टी से किसी ने जुड़ना ही है और ये सौभाग्य है अगर पूरा देश जहाँ तेज गति से आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमें भी जो हमने भी भाजपा से आगे चुनाव लड़ना है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी जो ये यज्ञ चला हुआ है देश में उसमें छोटी सी आहुति अगर देने को हमें भी मौका मिल रहा है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। टिकट का आश्वासन मिला है सर आपको? बिल्कुल जी, टिकट हमारा जल्द ही 1-2 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा और सभी हम 3 विधायक और जो 6 विधायक हैं उनको वो भाजपा के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि राज्यसभा के जिस दिन चुनाव हुए और ये घटनाक्रम शुरू हुआ तब तक आप लोग साथ में थे, ऐसा क्या हुआ जो दूसरे दिन को आप लोगों का विचार बदल गया? देखो राज्यसभा का जो इलेक्शन है ये हमारा अपनी अंतरात्मा अपना कंसाइज है कि हम किसको दें। हमारे कंसाइज ने अलाउ नहीं किया कि हम बाहर के किसी प्रतिनिधि को हम वोट करें। हमने हमारे लोकल जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन जी उसको हमने जो है वोटिंग की और उसके बाद से जो है ये सारे समस्या का जो है समस्या शुरू हुई कि हमने क्यों जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हमने वोट किया। ये तो हमारा अधिकार है, तीनों इंडिपेंडेंस का अधिकार है, जिसपे आप जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो यहाँ जोर जबरदस्ती की गई, जब हमने उनको वोट दिया और वो जीत गए तो उसके बाद MLAs को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, झूठे केस, झूठे FIR जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए, जो कि बहुत गलत है, जो एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। चाहे वो आशीष जी है, चाहे केएल ठाकुर है, इनके पर FIR, इनके बेटे पे, इनके भाई पे, इनके कारोबार बंद, ये जो बदले की भावना से जो राजनीति शुरू हुई है ये बिल्कुल ही गलत शुरू हुई है और ये सबसे बड़ा हमारा रीज़न था कि अब हम जो है इस सरकार के साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते। और हम तीनों जो विधायक है इंडिपेंडेंट, हमने निर्णय लिया कि हम जो है अपना इस्तीफा देंगे और आज हमने अपना इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होंगे अब? बिल्कुल जी होंगे, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ेंगे और जो है अपने देश को मजबूत करेंगे, अपने प्रदेश को मजबूत करेंगे। ये भी आरोप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि खरीद फरोख्त हुई है। जैसे होशियार जी ने और आशीष जी ने बताया कि हमने जो पिछले लगभग 14 महीने से जो घटनाक्रम था उसको देखते हुए अपने स्वेच्छा से ये फैसला लिया है, कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर, ये जनहित में, प्रदेश हित में, नालागढ़ जनता के हित में, क्योंकि लोगों ने, नालागढ़ जनता ने हमें बताया था नालागढ़ के विकास के लिए,
पर चुनालागढ़ का विकास हो नहीं पा रहा था, इसलिए हमने फैसला लिया है। और एक विचारधारा भी जो थी हमारी, बेशक पिछली बार भाजपा का टिकट हमें नहीं मिला था, परंतु हमारी जो विचारधारा थी वो हमारी यही है, भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। और जैसे जैसे हमारे पूरे विश्व के जो प्रसिद्ध आज विश्व नेता मैं कह सकता हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, तो इन सबके नेतृत्व में तो हमें पूर्ण विश्वास है और हम चाहते हैं कि नालागढ़ में दोबारा से फिर दोबारा से विधायक जो है लोग चुने और अच्छी, जैसे पीछे बहुत ही बढ़िया मार्जिन से जिताया था, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम जाने हित में ले रहे हैं, हमारा अपना कुछ पर्सनल ये नहीं है। और हम क्योंकि 5 साल भाजपा की सरकार हिमाचल में रही थी, पीछे बेशक मैं विधायक नहीं था, परंतु जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो था हमारे पूरे काम जो हमने कहा वो नालागढ़ में हुआ, उसी वजह से लोगों ने हमें इंडिपेंडेंट होते हुए बहुत से माध्यम जताया था, और इसलिए जताया था कि हम काम करें, परंतु तो काम हो नहीं पा रहे थे, प्रदेश के पास पैसा नहीं था, काम नहीं हो रहे थे। और उस ढंग से हमें लगता हमारा विधायक रहना जो था वो सबको उचित नहीं बनता था, तो इसलिए हमने फैसला लिया। और जो घटनाक्रम राज्यसभा में वोटिंग के बाद हुआ, क्योंकि जो हमारी अपनी कॉन्शियस थी उसके मुताबिक हमने वोट डाले, इंडिपेंडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, हमारा अपना जहाँ ठीक समझा वो हम डाला। अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि बाहरी उम्मीदवार थे उनके लिए डालते तो हमारे लिए शायद बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता, तो हमने सही काम जो था विचारधारा के अनुरूप हमने वोट डाला। उसके बाद बहुत जो गलत किया है तो उसको सारे मद्देनजर रखते हुए, जैसे FIR हो रही है, कारोबार बंद कर रहे हैं, मुझे लगता आज तक किसी भी सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ था, इसके लिए बड़ा दुख है। तो इसलिए सब बातों ये आरोप लग रहे हैं कि विधायक बिक गए, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार लगता है ये तब लगता है अगर हम कांग्रेस को वोट देते तो जरूर ऐसे लगते हैं। सर आप इंडिपेंडेंट थे तो प्रदेश से बाहर इतने समय तक रहने की जरूरत क्यों पड़ी? आप इंडिपेंडेंट